लता मंगेशकर के भजन के साथ होगा अयोध्या में प्रवेश। लता मंगेशकर चौराहे पर लग गई फीड़ा बजती रहेगी रामधुन। 40 फीट ऊंची और 14 टन वजनी है वीणा, जन्मदिन पर मुख्यमंत्री देंगे तोहफा। अयोध्या में प्रवेश के साथ ही राम भक्तों को भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की वीणा और भजन के स्वर सुनाई देंगे। यहां स्थापित करने के लिए जो वीणा लता मंगेशकर स्मृति चौराहे पर स्थापित की गई है, उस पर माता लक्ष्मी सरस्वती के साथ दो मोर भी बने हुए हैं। एक माह में 70 कलाकारों द्वारा तैयार की गई इस वीणा की ऊंचाई, यह लंबाई करीब 12 मीटर यानी 40 फीट है, जबकि चौड़ाई 10 फीट है और वजन 14 टन। यह स्मृति चौराहा लता जी का 28 सितंबर को मनाए जाने वाले जन्मदिन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास तोहफा और समर्पण होगा। अयोध्या के मुख्य प्रवेश द्वार पर नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौराहा घोषित किया गया है, जिसके निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली से बनकर आई फीड़ा भी बुधवार को लगा दी गई है। यहाँ लाइट और साउंड का ऐसा समन्वय होगा कि यहाँ से लता जी द्वारा गाए गए श्री राम के भजन और वीणा के मधुर ध्वनि लोगों को लगातार सुनाई देती रहेगी। इसका डिजाइन राम सुतार फाइन आर्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है और इसे नोएडा से अयोध्या पहुँचने में 3 दिन लगे हैं। लगभग 8 करोड़ से बनने वाले लता स्मृति चौराहा उनके जन्मदिन यानी 28 सितंबर के लिए योगी आदित्यनाथ का खास तोहफा रहेगा। सूत्रों की माने तो खुद मुख्यमंत्री योगी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, वर्चुअल तरीके से नहीं बल्कि वह खुद इसके लिए अयोध्या पहुँचेंगे। इस स्मृति चौक के लिए वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके जरिए डिजाइन का चयन और उसका प्रेजेंटेशन हुआ था। अब निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। यहां से भारत रत्न से विभूषित लता दी द्वारा गाए गए भजन और रामधुन वीणा के स्वर के साथ जब लोगों को सुनाई देगा, यह अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आकर्षण भी होगा। अनिल राम सुतार वाड़ी निर्माता, बहुत बड़ा चैलेंज था। यह एक महीने में बनाई है वीड़ा, पूरा कासे की बनाई गई है। ढलाई का प्रोसेस सब कुछ देखते हुए रात दिन करके हम लोगों ने इस पर काम किया है। एक महीने में हम लोगों ने बनाई है, इस पर 70 लोग काम कर रहे थे। फिनिशिंग है, मिट्टी का बनाना है, डिजाइन है, उसकी मोल्डिंग करनी है, सांचे ढालने हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, फिर भी हमने रात दिन करके इसे किया है। यह 40 फीट लंबी वीणा है, इसका भजन 14 टन है। अनिल राम सुता वीणा निर्माता, यह स्ट्रक्चर बहुत मजबूती से डिजाइन किया गया है। यह चौराया जिस तरह से डेवलप किया गया है, पहले बहुत बेसिक था, अच्छे से पत्थर लगाकर अब जिससे लोग यहाँ बैठे अच्छे से सुने, साउंड सिस्टम भी यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें लता जिनके गाने बजाए जाएंगे और आपस में लोग यहाँ बैठकर इसका पूरा आनंद ले पाएंगे। वीड़ा बनी है जी, इसका डिजाइन किस तरह से तैयार हुआ, कितने लोग लगे, कितना पैसा उसमें लगभग एक्सपेंस हुआ और कितना बड़ा अचीवमेंट ये आपके लिए है और चैलेंज भी कितना बड़ा था? जी, बहुत बड़ा चैलेंज था। ये हमने एक महीने में बनाई है वीणा और पूरी कांसे की बनी हुई है। ढलाई का प्रोसेस सब कुछ देखते हुए रात दिन करके हम लोगों ने इस पर काम किया है। एक महीने में बनाई हमने, करीब 70 लोग इस पर काम कर रहे थे। उसमें फिनिशिंग है, मिट्टी का बनाना है, थर्मोकोल का बनाना है, फिर डिज़ाइन मोम का बनाना है, उसकी मोल्डिंग करनी है, सांचे ढालने हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पर फिर भी हमने रात दिन करके पूरा इसे किया है। ये 40 फुट लंबी वीणा है, इसकी चौड़ाई 10 फुट है, इसका वज़न 14 टन है, इसके अंदर स्टील का स्ट्रक्चर है। और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये चैलेंजिंग जॉब मिला और हम लोग टाइम से पूरा कर पाए। कितना एक्सपेंस आया? एक्सपेंस की मैं अभी बता नहीं पाऊँगा जी, फिनिश। सर दूसरा ये कि पीछे किस तरह से ये स्ट्रक्चर में लगाया जाएगा और कभी भी के लिए कितनी मजबूती रहेगी? नहीं, मजबूती ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है, तो मजबूती तो रहेगी इसके अंदर। बाकी ये चौराहा जिससे डेवलप किया गया है, क्योंकि पहले बहुत बेसिक था, अभी इसको अच्छे से पत्थर लगा के ताकि लोग आके यहाँ बैठें सुने, और यहाँ पर साउंड सिस्टम से भी लगाया जा रहा है जिसमें लता जी के गाने यहाँ चलाए जाएंगे और लोग आपस में यहाँ बैठ के पूरा आनंद ले पाएंगे इसका। क्या नाम? अनिल राम सुतार।